हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार का आखिरी उसके दो दिन बचे हैं। कांगड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि वो कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती हिमाचल प्रदेश को। सिर्फ प्रधानमंत्री का ऐसा कहना है कि डबल इंजन की सरकार यानी बीजेपी ही विकास कर सकती है हिमाचल प्रदेश का। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, लगातार कांग्रेस एक के बाद एक राज्यों में चुनाव हार रही है और जहां हारती है वहां हारती ही जाती है, फिर नहीं आती। 2014 से 17, 3 साल कांग्रेस की सरकार ने कितने घर बनाए हिमाचल में? पूरे हिमाचल में पैसे भारत सरकार दे रही है, पैसे मोदी सरकार भेज रही है, हिमाचल में सिर्फ 15 घर बनाए। 15, शर्म आए ऐसा काम है कि नहीं भाई? ये कांग्रेस वालों का रिकॉर्ड देखो। और बाद में आपने जयराम जी की सरकार बनाई, और जयराम जी की सरकार बनाई दिल्ली से मैं भी लगा रहा, हम दोनों मिल गए तो 10,000 गरीबों के लिए घर स्वीकृत हुए, 8,000 घर बन गए, 8,000 घर बन गए। भाजपा हिमाचल के युवाओं के निरंतर काम कर रही है। हिमाचल के लिए भाजपा का जो संकल्प पत्र आया है उसमें भी इस पर भी फोकस किया गया है। हेरिटेज टूरिज्म, जो हमारे ये मंदिर है, ये तीर्थ है, ये कितनी बड़ी ताकत हिमाचल के पास है। जब इनका विकास होगा, यहां सुविधाएं बढ़ेगी, तो टूरिज्म का कितना विस्तार होगा। इतने साल यहां कांग्रेस रही, क्या कांग्रेस ने हिमाचल की इस ताकत की बात की? कभी नहीं की, क्योंकि उसे ना तो हिमाचल के युवाओं की चिंता है, ना ही हमारी आस्था के प्रति उनकी आस्था है।